9 बजे से फिर बैठक होगी। उधर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। महाकाल की पूजा के साथ कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। आज दौरे रहने वाले हैं, कार्यक्रम रहने वाले हैं। इंदौर और उज्जैन जाएंगे और यहाँ पर कई कार्यक्रम। सबसे पहले तो देखिए महाकाल के दर्शन करेंगे, इसके बाद ही कार्यक्रमों का आगाज होगा। फिर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर जाएंगे, जहाँ माल्यार्पण करेंगे, नमन करेंगे। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधानसभा चुनाव से पहले उनकी भी भूमिका मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता गौरव लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए योगी आदित्यनाथ इंदौर और उज्जैन दौरे पर क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं, अपडेट जरा पहुंचाइए। देखिए बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 12 बजे के आसपास वो इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर से हेलीकॉप्टर के जरिए उज्जैन पहुंचेंगे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन करेंगे और उसके बाद ब्रतहरि की गुफा जाएंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद फिर वो दोबारा इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। देखिए 2016 में योगी आदित्यनाथ उज्जैन में आखिरी बार आए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा योगी का माना जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम जो है वो उनका इंदौर में है और इंदौर ही वो मुख्य कार्यक्रम के लिए आ रहे थे, लेकिन अब जब वो इंदौर आ रहे हैं तो महाकाल की नगरी भी वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन में करीब योगी आदित्यनाथ आधा घंटा रुकेंगे और जहां वो महाकाल के दर्शन करने के बाद ब्रतहरि की गुफा भी पहुंचेंगे। हालांकि बगलामुखी मंदिर जाने का भी उनके कार्यक्रम में शामिल हो सकता है, लेकिन अब तक बगलामुखी मंदिर जाने का कार्यक्रम जो है उनका तय नहीं हुआ है। आधे घंटे रुकने के बाद वो इंदौर पहुंचेंगे और वहां के तमाम जो कार्यक्रम है वहां पे वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, ये भी जानकारी दीजिएगा क्या बीजेपी का कोई और दिग्गज चेहरा इस दौरान उनके साथ देखने को मिल सकता है। देखिए अभी तक इस जो अभी तक योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम सामने आया है उसमें किसी और नेता के साथ में होने की अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं वो एक अन्य कार्यक्रम की वजह से आ रहे हैं और इसी वजह से ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। लेकिन अगर हम योगी आदित्यनाथ के बाकी इंतजामों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को Z+ सुरक्षा दी गई है, जिसके चलते जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम यहाँ पे जरूर किए गए हैं। दो दिन पहले से पर पुख्ता कर लिए गए हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन सबसे पहले दर्शन